तो मैकटैंक की बुशिंग एंड मास्टर की बुशिंग की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज तो भाई कभी कभी तो क्या ही करना पड़ता था हमारे मैचेस में, भाई बंदे आके हमारे पास में आके मार के चले जाते थे। एंड भाई कभी कभी तो हमको बस कुछ नहीं करना पड़ता था, बस देखना पड़ता था, इतने में बंदे मर भी जाते थे। एंड भाई आज के मैचेस तो बहुत ही तगड़े निकले भाई, आप देखना, बहुत ही खतरनाक मजा आने वाला है। एंड आज तो हमारी पुशिंग भी तगड़ी हुई है, और देखते पहले मैच में क्या हुआ। भाई पहले मैच में तो मैं गाड़ी लेके जा ही रहा था, सामने की ओर भी गाड़ी वाला दिख जाता है तो इसके पीछे लग जाता हूँ। एंड भाई ये तो भाई निकल ही रहा था हमारे आगे, बट ये उतर जाता है, वैसे ही मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। एंड भाई जैसे ही दिखा इसका हेड पे हेड देके खत्म कर दिया भाई इसको। एंड यहाँ पे पहला किल तो हमारा मैकटेन से हो चुका है, बट हमको दूसरे किल की भी जरूरत है। एंड जाते जाते और सामने की ओर बंदा दिख जाता है, भाई क्या ही बचा यार कट लगने से। एंड इसके पीछे चले जाते हैं हम भाई फटाफट से, क्या हो रहा है ये। एंड यहाँ पे अब इसको छोड़ने वाले तो नहीं है, इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा क्योंकि भाई हमारा एक ही किल है अभी। और भाई ये जैसे ही दिखा नहीं मुझे तो मुझे लगा ऊपर ही चले गया, तो ऊपर जाता हूँ और ये भाई अटका हुआ था शायद से, तो इसको ख़त्म कर दिया। एंड यहाँ पे दो किल तो हो चुके हैं, बट अभी हमको तीसरा किल भी करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं गाड़ी लेके जैसे जा रहा था सामने की ओर ब्रिज पे बंदा दिखा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ और गाड़ी को रिटर्न लेके मैं इसके पास ही जाता हूँ डायरेक्ट। और ये भाई भी कूद ही जाता है यार, इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ ठोक के और ये ख़त्म कर देता हूँ मैकटेन से। और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले लिया था मैंने, बट यहाँ से निकलता हूँ मैं जैसे ही, और भाई मेरे पास तो ग्लोव था, मतलब 8 ग्लोवल, और यहाँ पे बचने के लिए मेरे परमानेंटली कवर नहीं है तो ग्लोवल ही लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे अभी बचने का बहुत ही ट्राई मार रहा हूँ भाई, क्योंकि सामने की ओर भी बंदा और भाई गाड़ी वाला आ गया। एंड यहाँ पे बचना तो मुमकिन नहीं है, और ये भाई ग्लोवल लगाए यहाँ पे और एक और लगाई। एंड यहाँ पे भाई कैसे मर गया मैं यार, पता ही नहीं चला। एंड इस मैच में तो 20+ मिल चुकी है हमको, और भाई मैकटेन की 100+ मिल चुकी है, और ये मैच अच्छा निकला। बट इस मैच में तो भाई जैसे ही लैंडिंग करता हूँ सामने की ओर बंदा भी दिख जाता है, तो बंदे को तो हेड देके ख़त्म कर देता हूँ। थोड़ा बहुत डैमेज भी लगाओ भाई, यहाँ पे दूसरा बंदा भी आ जाता है, दूसरे बंदे को भी तो क्या ही मारा भाई। इसी के साथ हमारे 2 किल हो चुके हैं भाई। 2 किल होने के बाद तो सामने की ओर भी फाइटिंग चल रही थी भाई। यहाँ पे तो मैं हाथ धोना नहीं चाहता था, बट निकल लेता हूँ हाथ धोने के लिए हमारे, और यहाँ पे बंदे को क्या ही हेडशॉट मारा। बट यहाँ पे एक और बंदा था, मुझे लगी तो रहा था, बट यहाँ पे ये भाई क्या ही सीन करके मार देता है यार। यहाँ पे तो हम मतलब बचे नहीं है, बट अब मर चुके हैं। यहाँ पे तो डबल लैंडिंग कर लेते, और लैंडिंग करने के बाद तो सामने की ओर भी फाइटिंग हो रही थी भाई। हमको तो वो हाथ धोना ही था, तो हम भी आ जाते। एंड जैसे आता हूँ भाई हेड पे हेड देके ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे भाई कहाँ से डैमेज आया यार, एंड में सीन कर दिया भाई ने यार। यहाँ पे 2 किल हमने भी किए थे, 2-3 किल कर लिए थे, और यहाँ पे ये मैच भी अच्छा निकला। और भाई यहाँ पे मैं जैसे लैंडिंग मतलब लूटने के लिए आता हूँ लैंडिंग करके, और लैंडिंग करने के बाद तो भाई वो सीन तो दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा वीडियो। और यहाँ पे भाई मैं बचने की ट्राई कर रहा था, कहाँ से डैमेज आता है कहाँ से नहीं पता ही नहीं चलता, और भाई सामने की ओर से पता चल गया, सामने की ओर से डैमेज आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते और निकल लेते, और भाई डैमेज तो बहुत ही तगड़ा दिया है। और मेरे पास तो मेडिकेट 2 पड़ी हुई है, और यहाँ पे अभी मैं रिस्क ले लेता हूँ भाई, यहाँ पे गलती कर लेता हूँ, मैं निकल लेता हूँ इनको, मतलब मारने के लिए ही निकलता हूँ, बट यहाँ पे तो हम मर ही जाते। और भाई ये यहीं पे था, और यहाँ पे तो भाई इस मैच में तो सामने की ओर जैसे ही बंदा दिखा, और ये भाई ये मतलब मुझे डैमेज तो दे रहा था, और मैंने भी इसको डैमेज तगड़ा ही दिया था। और भाई दूसरे के भी लैंडिंग हो गए, 1 किल किया नहीं और दूसरा आ गया, और भाई दूसरे को तो डैमेज देते देते हम भी मर गए। एंड भाई फाइनली हम फिर से लैंडिंग कर लेते हैं, लैंडिंग करने के बाद तो भाई हमको मैकटेन मिल जाती है, एंड सीधा सामने बंदा भी मिल जाता है भाई को ठोक के। मैं तो थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ, एंड उतर के थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, और ये भाई ग्लोअ लगा लेता है, बट इसको तो मार देता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट ही कर रहा था भाई, अंदर की ओर से गाड़ी कहाँ से ले आया भाई फास्ट में। एंड ये वापस उतर के भाई गाड़ी में बैठ जाता है, हेड पे हेड देता हूँ, बट थोड़ी देर बाद तो सोनिया लग जाता है। एंड भाई डिमिट्री भी था, तो इसको तो ख़त्म ही करना था, तो ख़त्म भी कर देता हूँ। यहाँ पे 3 किल तो हो चुके हैं, बट हमको अभी यहाँ पे वेट करना है। और यहाँ पे मैं लैंडमाइन जैसे ही लगा के बैठा था, और भाई एक बंदा आया और ऑटोमेटिक मतलब कुछ करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक ही मर गया। एंड यहाँ पे इसको लूटने के बाद और वेट करता हूँ, एक बंदा और आया, भाई को डैमेज तो दिया है मैंने तगड़ा, बट इसने भी हमको थोड़ा बहुत डैमेज दिया है, बट सोनिया लगा दिया मैंने। और यहाँ पे डिमिट्री वाला है भाई, इसके पास तो फटाफट से जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको वेट करवाता हूँ, और यह भाई जिंदा हो जाता है फिर से। एंड भाई ये इंजेक्शन ले रहा था इतनी देर में, तो इसको ख़त्म भी कर देता हूँ, और फटाफट से लूट के इधर वेट कर रहा था, और सामने की ओर बंदा दिखता है, इसको डैमेज देता हूँ भाई, ग्लोअल नहीं लगाता उसके पहले ही ख़त्म कर देता हूँ। बट यहाँ पे क्या ही रिस्क लिया है भाई, देखो मैं जोन में आ चुका हूँ गाड़ी लेने के लिए, और भाई गाड़ी भाई मरते मरते बचता हूँ यार शायद से यहाँ, और भाई यहाँ फाइनली बच ही जाता हूँ क्योंकि सामने की ओर भी बंदा था। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बंदा मतलब वेट ही कर रहा था हमारा, यहाँ से अब निकलने नहीं देगा यार, ये गाड़ी ब्लास्ट कर देगा। और भाई इसने गाड़ी ब्लास्ट भी कर दी, तो अब इसको तो डैमेज देता हूँ थोड़ा बहुत भाई, एक हेड भी पड़ता है, साइड से डैमेज आ रहा है, और यहाँ पे बचना तो मुमकिन नहीं है भाई, यहाँ से बच जाता हूँ जैसे तैसे, और इस बंदे को देखने आता हूँ। यहाँ पे इसको डैमेज दे रहा हूँ, मेरा एम थोड़ा लॉक नहीं हो रहा इसके ऊपर, बट तब भी भाई पूरी कोशिश से इसको मार देता हूँ। और भाई हम फाइनल 2 बंदे बचे, और एक बंदा भाई ये बहुत ही मतलब मूवमेंट दिखा के भाग रहा है, और इधर उधर यार छुप रहा है, तो इसको तो बहुत सारा डैमेज दे दिया। अब तो ये बहुत ही कम गोली का बच्चा होगा यार,
भाई इसको, इसने भी अब बहुत सारा डैमेज दे दिया है। बट यहाँ पे भाई ये भग के इधर आ जाता है यार, एंड ये हमको मार ही देता है। एंड बुया करते करते हाथ से निकल गया। 32 प्लस हुई है भाई इस मैच में। एंड भाई ये मैच तो हमारा ऐसे ही निकला, बहुत ही अच्छा था। और इस मैच में तो भाई MP14 थे मेरे हाथ में। बंदा जैसे ही दिखा इसको हेड पे हेड, मतलब एक ही हेड दिया और ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे भाई, यहाँ पे बंदा आता है गाड़ी लेके, और यहाँ पे मैं हाथ साफ कर लेता हूँ, वही बोल रहा था मैं। और यहाँ पे एक किल करने के बाद निकल लेता हूँ मैं, मतलब मैकडेन से। और भाई दूसरा बंदा जैसे रेडी था हमारे पास आने के लिए, उसको डैमेज तो दिया है बट क्या ही, हेड पे हेड दे दिया और सोनिया लगा दिया भाई। डिमिट्री वाला नहीं था भाई, बच गए हम। एंड भाई यहाँ पे तो मैं जैसे उतरता हूँ, ये घर के अंदर से एक बंदा आता है, इसको भी हेड शॉट, क्या ही हेड शॉट लगे यार। एंड इसको तो अब जोन के अंदर से ही मार देता हूँ। और फटाफट से मैं क्या ही कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि जोन से बाहर निकल गया था मैं। और यहाँ पे अभी वेट ही कर रहा था, क्योंकि भाई मोस्टर ट्रक और सामने का गाड़ी भी चल रही है यार। यहाँ पे मुझे परमानेंटली कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लो भाई बहुत दूर है परमानेंट कवर। और यहाँ पे बचने का ट्राई कर रहा था भाई, ने ठोक दिया यार। और यहाँ पे अब ये बंदा भी आ गया था हाथ साफ करने के लिए। भाई बचने तो दो थोड़ा बहुत यार, वो बंदा भी उतर के मारने ही लग गया। और भाई ये मैच भी हाथ से निकल गया भाई ने, दीपू भाई ने तो बुया कर ही लिया है। एंड इस मैच में तो हमको 100 प्लस मिल चुकी है भाई, हमको तो बुया से मतलब नहीं। एंड यहाँ पे तो अभी भाई इस मैच में हमको लग रहा था सामने की ओर से फायरिंग हो रही है, तो यहाँ पे चले जाते भाई, बंदा भी दिख जाता है। एंड क्या ही डैमेज दिया यार, ये नीचे की ओर ना कूद जाए भाई, जैसा सोचा था वैसे ही होता है। यहाँ पे नीचे की ओर जाता है जैसे ही, अब यहाँ पे भाई मेरे सामने ही था, एकदम स्टिल खड़ा था, तो इसको डैमेज तो दे रहा था मैं, बट ये भी हमको डैमेज दे रहा था। बट लास्ट में क्या ही हेड लगे तो बच गए हम। और यहाँ पे जैसे ही जा रहा था माउंटेन DOP के, तो सामने की ओर बंदा दिखता है, वो रहा भाई भीमा शक्ति पे है। और यहाँ पे भाई इसको ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करने के बाद साइड से भी फायरिंग हो रही है तगड़ी। यहाँ पे वेट ही करता हूँ, ये बंदा जैसे सामने क्लियर निकलता है मेरे सामने, और इसको मैकटेन से ही ख़त्म कर देता हूँ। अब फटाफट से लूटने के लिए जाता हूँ मैं। 3 किल हो चुके हैं भाई यहाँ पे, हमको अब टेंशन की बात नहीं है। बट यहाँ पे भाई क्या ही सीन हो गया यार, ड्रॉप के नीचे कैसे मर गया मैं, बहुत ही बुरा हुआ यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे 99 प्लस मिल चुके हमको ग्लोरी, एंड रैंक का बहुत ही कम मिली। और यहाँ पे भाई, यहाँ पे जैसे ही निकल रहा था मैं सामने की ओर, मुझे लग रहा था बंदा है, बट यहाँ पे निकलता हूँ और भाई बंदा रहता भी है सामने की ओर। बट यहाँ पे ये ग्लोर लगा के मतलब बच जाता है थोड़ा बहुत, तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर रस्सी करने जा रहा था, क्योंकि मेरे पास भाई मतलब कोई साधन भी नहीं था यार इसको मारने के सिवाय। और यहाँ पे अंदर की ओर से जैसे ही बाहर आता है भाई, ये इसको डैमेज देने से पहले ही ख़त्म कर देता है। क्या ही स्लो मोशन में हम मरे यार भाई, यहाँ पे बहुत ही बुरा सीन हुआ। एंड इस मैच की मतलब हमको प्लस तो देखना पड़ेगा, और माइनस हो गई भाई उल्टा रैंक। और इस मैच में तो भाई मैकटेन ले लेता हूँ, मैकटेन लेने के बाद बंदा भी दिख जाता है, बंदे को तो डैमेज दिया है बट यहाँ पे ख़त्म भी कर दिया। एंड इसको लूटता हूँ थोड़ी देर में भाई, यहाँ पे एक और बंदे की मतलब एंट्री हो जाती है। जैसे ही हमको दिखा, इसको डैमेज तो दिया है भाई, तगड़ा डैमेज दिया है, मर भी जाता है भाई ये। एंड इसको ख़त्म करने के बाद तो ऊपर की ओर जाता हूँ भाई, क्योंकि मुझे लग रहा था ऊपर की ओर बंदा है। बट भाई यहाँ से पीछे से डैमेज आएगा, अभी देखना पीछे से डैमेज आ गया। अब भाई पीछे की ओर वाले ने तो बहुत ही तगड़ा डैमेज दिया है, एंड इसको भी एक हेड दिया और भाई डैमेज से ही ख़त्म हो गया। और यहाँ पे भाई मैं गाड़ी लेके जैसे ही निकल रहा था, सामने की ओर क्लियर बंदा निकल जाता है मेरे सामने, उसको उतर के तो क्या ही मारा भाई, मैंने हेड दे दिया लास्ट में। और पीछे से डैमेज भी आ रहा था, तो वेट करता हूँ भाई, यहाँ पे रिस्क लेता हूँ मैं बहुत ही तगड़ा, क्योंकि यहाँ पे जोन आ रहा था और जोन के अंदर चले जाता हूँ, मतलब बाहर चले जाता हूँ, और यहाँ पे भाई जोन में ही एलिमिनेट हो जाता हूँ। और यहाँ पे 100 प्लस तो मिलती है हमको, बट बहुत ही बुरा सीन हुआ। और इस मैच में तो भाई मैं जिससे मतलब लैंडिंग करता हूँ घर के ऊपर, मुझे लगता है यहाँ पे बंदे हैं, बट यहाँ पे था भी बंदा। और मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ भाई लूटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई मेरे पास गन ही नहीं थी, तो 2 मैकटेन तो मिल जाती है, बट यहाँ पे मेडिकेट भी मिल जाती है और MAC-7 भी मिल जाती है। तो थोड़ा वेट करता हूँ मैं, और वेट करने के बाद तो भाई यहाँ पे लूटने के लिए जाता हूँ मैं वाइंडिंग मशीन में, तो यहाँ पे थोड़ा लूट लेता हूँ मैं फटाफट से। और बंदा आ जाता है भाई एकदम से, और बंदा आने के बाद तो हमको ख़त्म ही कर देता है। और 33 माइनस भाई, बहुत ही लंबी चौड़ी माइनस लग गई हमारी। और इस मैच में तो भाई पीछे से डैमेज आ रहा है और आगे बंदा है, तो आगे बंदे वाले को तो हमने फोकस किया और इसको तो ठोक के फटाफट ख़त्म भी कर दिया। एंड ख़त्म करने के बाद तो भाई हमारा 1 किल हो चुका है, पहला किल आ चुका है हमारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं हम, और निकल लेते हैं लूट के फटाफट से हमारी कार की ओर। और सामने की ओर भाई लिटरली बंदा मेरे पास MAC-10 भी है, और यहाँ पे बंदा जैसे ही दिखा थोड़ा यूजी से डैमेज दिया एंड MAC-10 से ख़त्म कर दिया भाई। यहाँ पे 1 किल हमारा MAC-10 का आ चुका है भाई, यहाँ पे 2 किल हो चुके हमारे। अब मैं मोस्टर ट्रक लेके निकल लूँगा भाई यहाँ से, क्योंकि भाई हमारी लैम्बोर्गिनी तो बहुत ही ठोका पिंजा गई है इधर उधर। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट ही कर रहा था मैं भाई, ये सामने की ओर बंदा दिख जाता है, बंदा जैसे ही दिखता है इसको उतर के मार देता हूँ मैं, और हेड लग जाता है भाई। हेड लगने के बाद तो फटाफट से हम यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि किसी ने वो गन न्यू वाली है ना
उसका यूज़ कर लिया था, तो सामने की ओर ही बंदा है, तो यहाँ पे मैं अभी रिस्क तो नहीं लेना चाहता यार। अब गाड़ी लेके फटाफट से निकल लूँगा, क्योंकि वहाँ पे भाई उसको मारने जाऊँगा तो जोन भी बहुत ही काट रहा है हमारी। और भाई यहाँ पे सामने की ओर भी बंदा दिखा, बट हमको रिस्क नहीं लेना है क्योंकि हमारी गाड़ी भी बहुत ही आधी हो चुकी है यार। और यहाँ पे फटाफट से निकल लेते हम, और भाई गाड़ी भी ब्लास्ट कर दी भाई, बीच रास्ते में ब्लास्ट करी है यार किसी ने। अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। और हाँ भाई, जीप में कहाँ ले जाता है यार, कौन से नशे करके चला रहा था। एंड यहाँ पे जोन भी काट रहा, साइड से डैमेज भी आ रहा, सामने से भी डैमेज आ रहा, और हम मर गए फाइनली। इसका रिजल्ट तो यही मिला, एंड इसमें 100+ मिल चुकी है हमको। एंड भाई इस मैच में तो मैं जैसे ले जा रहा था मेरी गाड़ी, और सामने की ओर भी बंदा दिख जाता है, वो रहा भाई सामने की ओर बंदा। तो अब इसको उतर के डैमेज तो देता हूँ मैं, और एक हेड भी लगता है 91 का, और इसको थोड़ा सा और डैमेज देता हूँ, और लास्ट में हेड हेड देके ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारा एक किल आ चुका है, बट सामने की ओर भाई बंदा स्टिल मतलब बैठा ही था यार, कुछ कर नहीं रहा था, तो हमने तो इसको उड़ा दिया भाई। यहाँ पे अभी दया देखेंगे ना तो हमारी प्लस नहीं होगी यार भाई, इसलिए अभी मारते ही बंदों को फोकस मारने पर रखना है। और यहाँ पे भाई मोस्टर ट्रक वाला सामने की ओर से गाड़ी फोड़ देता है हमारी, और उसको हेड दिए, बट लास्ट में इसने हमको बहुत ही सारे हेड दे दिए होंगे यार। हाँ भाई, बहुत ही हेडशॉट से मार दिया इसने। और यहाँ पे तो हमको 100+ मिल चुके हैं मैक 10 की, भाई बुया पे तो हमारा फोकस ही नहीं है अभी। एंड यहाँ पे भाई इस मैच में देखो, सामने की ओर इसके घर के ऊपर जाता हूँ मैं, और मैक 10 थी मेरे हाथ में, और यहाँ पे भाई यहाँ पे मतलब अब भी लैंडिंग की थी मैंने, और ये बंदा दिखता है, इसके पास भाई M10 थी यार, और मार सकता था, बट ये मुझे देख के क्यों भाग रहा था यार, क्या ही बोलूँ यार इसको। अब यहाँ पे सामने की ओर भाई, पीछे की ओर से तो डैमेज आ रहा था, बट सामने की ओर भी बंदा था। अब बंदे के पास जाओ या पीछे जाओ, बट बंदे को मैं ठोक देता हूँ, और ठोकने के बाद तो इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ भाई, ग्लू वॉल से मतलब कवर हो जाता है, और कवर होने के बाद तो इसको थोड़ा बहुत डैमेज और देता हूँ, और एंड में मार भी देता हूँ। एंड भाई यहाँ पे 2 किल तो हो चुके हमारे, बट यहाँ पे भाई बहुत ही बुरा सीन होता है, गाड़ी यहाँ पे ठुक जाती है हमारी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिटर्न लेके यहाँ पे बंदे के पास आता हूँ, और यहाँ पे इसको मारने की कोशिश ही कर रहा था, इतने में भाई ग्लू वॉल लगाता हूँ, एंड यहाँ पे इसके ऊपर रश करने ही जा रहा था। जैसे ही रश करने जाता हूँ भाई, पीछे से कोई मार देता है। अब ये भाई यहाँ पे भाई पीछे से मार दिया यार। एंड इस मैच में तो हमको भाई मतलब 14+ मिली है यार, क्या ही बोलूँ। एंड भाई इस मैच में हमको 53 ग्लोरी मिली है यार मैक 10 की। और इस मैच में जैसे लैंडिंग करता हूँ, लैंडिंग करने के बाद तो सामने की ओर लूटने ही जाता हूँ, क्योंकि भाई फोकस पहले मेरी मैक 10 पे होती है कि मैक 10 गन मिल जाए और फटाफट से पहले मैं ही 2 किल कर लूँ और या 1 किल कर लूँ। तो सामने की ओर बंदा था, बिजोन थी मेरे हाथ में, इसको बिजोन से ही हेडशॉट देके ख़त्म कर देता हूँ, फटाफट से लूट भी लेता हूँ। एंड कार लेके मैं निकल लेता हूँ बंदों के पास, और मेरे पास थी मैक 10 भाई, मैं मैक 10 उससे ले लेता हूँ वेंडिंग मशीन से। एंड यहाँ पे भाई फाइटिंग तो चल ही रही थी, ये बंदा भाई मुझे देखता नहीं, तो इसको हम देख लेते हैं ढंग से। एंड यहाँ पे गाड़ी लेके फिर से निकलते हैं, सामने की ओर भी बंदा था ये जिसको मार रहा था, तो उसके पास चलते डायरेक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट उसके पास तो आ जाता हूँ भाई, उसको ठोक भी देता हूँ, थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ, एंड इसको फाइनली उतर के डैमेज तो दे रहा था, हेड भी लग जाता है, और ये ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ हमारे 2 किल हो चुके हैं मैक 10 के। एंड यहाँ पे अभी एक बंदा और दिखता है हमको, उसी जगह पे भग के आता है, इसको डैमेज तो देता हूँ थोड़ा बहुत, और यहाँ पे बच रहा था तो मेरे पास तो ये FGL 1424 नाम है शायद गन का, तो इससे मैं डैमेज दे देता हूँ भाई, बहुत ही अच्छी गन है यार, और इस बंदे को भी ख़त्म कर देता हूँ मैं फटाफट से। और यहाँ पे अभी जा ही रहा था मैं, तो यहाँ पे जोन की तरफ जाता हूँ, बंदा भी दिख जाता है, तो अभी यहाँ पे रिस्क तो लेना ही था, तो यहाँ पे बंदा जैसे ही दिखा इसको तो भाई क्या ही हेडशॉट पे हेडशॉट देके ख़त्म कर दिया। एंड यहाँ पे हमारे 5 किल हो चुके हैं भाई, सुपर 5 हो चुका हमारा यहाँ पे। एंड यहाँ पे अभी जोन में तो फंसा था, यहाँ पे जोन से जैसे ही बाहर निकलता हूँ, 8 ग्लोल थी भाई यहाँ पे बचने के लिए, इधर उधर से डैमेज आ रहा था। अब यहाँ पे मैं मेडिकेट जैसे ही मार ही रहा था यार, पता नहीं इतने में कहाँ से बंदा आ जाता है और कहाँ से नहीं है भाई, यहाँ गैप में से मारने लग जाता है यार। और यहाँ पे भाई हमारा कहानी यही तक थी आज की, और भाई इसने ख़त्म तो कर दिया हमको, और ये मैच भी हमारा बहुत ही अच्छा निकला भाई। इसी तरीके से हमने बहुत ही सारी पुशिंग की है, बट इस महीने में ना भाई, मतलब इस हफ्ते में ना भाई बहुत ही कम पुशिंग की है यार, क्योंकि भाई देखो हमारे मतलब हमारे आगे एक बंदा चले गया लीडर नाम का, और भाई ये इंडिया में भी आ चुका है, बट हम अभी तक इंडिया में नहीं आए, तो हमको तो बहुत ही पुशिंग करनी पड़ेगी। और नेटवर्क इशू भी बहुत ही हो रहा है भाई, रात की 11 मतलब 12 बजे तक की पुशिंग कर रहा था मैं। और यहाँ पर भाई आज के लिए इतना ही, और हमको और भाई आगे तो आना है यार, बट यहाँ पे पुशिंग बहुत ही कम कर रहे हैं। और भाई लाइक चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।